अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे आप रेडियो यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, सेलफोन हो आपके पास, सब जगह आप यही यूज कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक एंटेना का आप यूज करते हैं और एक ट्रांसमिटिंग एंटेना होता है, ये ट्रांसमिट करता है, प्रोपोगेशन यहां से होता है। और दो तीन टाइप के एंटेनाज होते हैं जिसमें मेनली अगर देखा जाए तो आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटेना होता है जो हर जगह प्रोपोगेट करता है हर डायरेक्शन में। कई यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं, एक ही डायरेक्शन में करते हैं, कुछ कुछ एंगल पे करते हैं। तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अर्थ एटमॉस्फेयर देखिए, ट्रोपोस्फेयर से शुरू करते हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कहीं हमारे पास आयनोस्फेयर भी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट की जाती है एंटीना द्वारा और ये आपके रिसीवर तक पहुंचती है। तो जो वेव प्रोपोगेट हो रही है सरफेस, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, और ये सरफेस से जो सरफेस सरफेस पे जो जा रही है, जमीन को छूती हुई, उनको हम सरफेस वेव या ग्राउंड वेव कहते हैं। वो वेव्स जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर पे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, और या फिर वो रिफ्लेक्ट होके जाइए जा रही है ग्राउंड से, उसको हम स्पेस वेव कहते हैं। यानी कि या तो इस एंटीना पे वो यूं पहुंचे, या यूं जमीन से टकरा के या किसी और चीज से टकरा के वो यूं पहुंचे यहां पर। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो ये स्पेस वेव्स है। जो वेव आपके रिसीवर पे पहुंच रही है और वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस पे आप उसे भेज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो जा रही है आयनोस्फेयर पे, यानी कि हमारे एक एक लेयर होता है अर्थ एटमोसफेयर का, उस आयनोस्फेयर पे जाके टकराती है, वहां से वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, और आपको करीबन वो जो आयनोस्फेयर है काफी दूरी पे है, 60 से लेकर 300 किलोमीटर तक है, वेरी करता है एक्चुअली, इसकी मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, दिन में रात में अलग अलग वेरी करता है। तो जो सरफेस है अर्थ पे वापिस आती है, इस इन वेव्स को हम स्काई वेव्स कहते हैं। तो कंडक्टिविटी हो, परमिटिविटी हो, परमिएबिलिटी हो, या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो, ये सारे के सारे जो अर्थ एटमोसफेयर के हो या आपकी जो लेयर्स है, वो सारे के सारे सारों की ये जो चार पांच चीजें हैं वो इफेक्ट करती हैं प्रोपोगेशन में। केवल केवल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजना और लेना नहीं है, इन सबका भी ख्याल रखना है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन या सरफेस वेव प्रोपोगेशन, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये ग्राउंड है और वेव कुछ इस तरीके से जा रही है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोपोगेट करती है सरफेस के अलावा, और क्योंकि हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है, तो ये जो वेव्स है जो ट्रांसमीटर से गई वो एक कर्व्ड सरफेस अर्थ का लेती है और साथ में रिसीवर में पहुंचती है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन तभी पॉसिबल है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों जमीन पे हो, या जमीन के बहुत करीब, अर्थ क्रस्ट के आसपास हो, है ना, अर्थ सरफेस के करीब हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस ग्राउंड वेव की इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस करती है सरफेस पे। देखिएगा, मान लीजिए ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है और इस तरीके से ये जा रही है। अब क्योंकि ये जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनका ये एक चार्ज होगा इनमें, इस चार्ज के कारण यहां भी चार्ज इंड्यूस होगा। हम देख चुके हैं कि चार्ज इंड्यूस होता है। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होता है अर्थ पे भी। अब ये जो चार्ज है, क्योंकि मूव भी कर रहा है ना, क्योंकि मूव भी कर रहा है, इस कारण से ये मूव कर रही है ना वेव्स, इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा होता है। बल्कि ये देखा जाए कि कंडक्टिविटी अर्थ की कोई इनफाइनाइट नहीं है, उस अर्थ की भी एक कंडक्टिविटी है। तो अगर सरफेस सैंडी हो, सैंड हो, बालू हो, उसमें कहीं बोल्डर हो, कहीं पत्थर हो, कभी कहीं कुछ हो, कहीं पानी हो, बहुत सारी चीज उसमें अर्थ पे आ सकती है। तो जो सरफेस है, सरफेस वेव प्रोपोगेट करती है इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से, अलग अलग कंडक्टिविटीज उसको मिलती है, कहीं पानी की, कहीं कहीं बालू की, कहीं रेत की, कहीं किसी और चीज की, कभी पौधों की। तो जो एनर्जी है वेव की वो धीरे 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 कम होती है, क्योंकि अर्थ की भी एक फाइनाइट कंडक्टिविटी होती है और इनकी भी एक फाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। इसके कारण ये ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि एक चार्ज इंड्यूस हो गया, एटेन्यूएशन हुए, जाके ये एक जगह पे जाके इनकी एनर्जी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो जो वेव की होती है, वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से, मतलब कि जितने दूरी पे जा रहा है। तो अगर आप इंटेंसिटी की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, जिस दूरी पे आप भेज रहे हैं। तो जो अब्सॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि वेव की एनर्जी कम हो रही है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप फ्रिक्वेंसी पे भेजेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी उसकी क्षीण होगी, कम होगी डिस्टेंस के साथ।
तो जो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज है या उससे ज्यादा, ये आप सरफेस वेव की तरह नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि 2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन मीडियम वेव बैंड की बात करें, जैसे 550 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज है, ये आप देखेंगे कि जो आपका एम रेडियो होता है, एम रेडियो वेव जो है वो इससे प्रोपोगेट होती है, ग्राउंड वेव से प्रोपोगेट होती है।